उत्कृष्ट कार्य के लिए रंगरा के 3 शिक्षक सम्मानित। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर रंगरा चौक प्रखंड के 3 शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है। सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों में मध्य विद्यालय मंदरौनी की प्रधानाध्यापिका नम्रता मिश्रा, मसूदनपुर वैसी पूरब टोला मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुधीर पासवान और मध्य विद्यालय मसूदनपुर वैसी पूरब टोला के संकुल समन्वयक प्रवीण प्रभाकर हैं। सभी शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंगरा चौक विजय कुमार झा, वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल और प्रखंड साधन सेवी रंजीत मालाकार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। भगवती क्रिकेट टूर्नामेंट के 3रे लीग मैच में रुपौली की टीम ने कुमारपुर की टीम को किया पराजित। रंगरा में चल रहे T20 भगवती क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट में बुधवार को 3रे लीग मैच में पूर्णिया जिले के रुपौली की टीम ने रंगरा के कुमारपुर की टीम को 27 रनों से पराजित कर दिया है। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही रुपौली की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 188 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में कुमारपुर की टीम निर्धारित 16 ओवर में 161 रन बनाकर सिमट गई। इस तरह रुपौली की टीम 27 रनों से जीत गई। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार रुपौली के राणा कुमार को घोषित किया गया है। बुधवार को निर्णायक के रूप में मोहम्मद फारूक और निक्की थे, जबकि कमेंट्री सुनील चटर्जी और अंजनी कर रहे थे। रंगरा के भीमदास टोला गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगाया शिविर। रंगरा के भीमदास टोला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रातः शाखा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में किशोर उम्र के बच्चों को शामिल किया गया। शिविर में प्रशिक्षकों द्वारा राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण के बारे में विस्तार से बताया गया और राष्ट्र के संभावित खतरे से भी बच्चों को अवगत कराया गया। शिविर में संघ के वरीय स्वयंसेवकों के साथ साथ प्रशिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी देखी गई। भागलपुर के जिलाधिकारी ने रंगरा प्रखंड और अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को रंगरा अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस क्रम में उन्होंने दाखिल खारिज के मामलों को तेजी से संधारित करने का निर्देश रंगरा के अंचलाधिकारी को दिया है। जिलाधिकारी ने रंगरा प्रखंड मुख्यालय को एक नए भवन में एक सप्ताह के अंदर शिफ्ट करने का निर्देश रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार को दिया है। साथ ही नवनिर्मित प्रखंड मुख्यालय के संपर्क पथ की समस्या को भी जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है। रंगरा अंचल कार्यालय का कैश बुक अपडेट करने का निर्देश CO आशीष कुमार को दिया गया है। रंगरा में प्रखंड नाजिर नहीं रहने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी देखरेख में वाउचर संधारित करने का भी निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार, DCLR परमानंद साह भी मौजूद थे।